अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इंडस्ट्रियल केमिस्ट गाइडेंस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग दी एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन बाय एचपीएलसी और किस तरह से आपने इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना है। विद प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वीडियो, ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो का वो ये है कि टू अंडरस्टैंड हाउ टू परफॉर्म एन एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन एज पर रिक्वायर्ड बाय आईसीएच एंड एफडीए गाइडलाइन। वैलिडेशन स्टार्ट करने से पहले एज ए केमिस्ट आपको जो बेसिक कंसेप्ट हैं रिगार्डिंग वैलिडेशन वो क्लियर होने चाहिए। ख़ास तौर पर आपको पता होना चाहिए कि वट इज़ वैलिडेशन एंड वट इज़ एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, why analytical method validation is necessary and when analytical method validation needed and when revalidation to be done। तो ये सारी जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स जो हैं एज ए केमिस्ट आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये सारी जो चीज़ें हैं चूँकि ये बहुत ज़्यादा डीप उसमें चली जाएंगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि जो हमारे केमिस्ट हैं जो डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं अपने नॉलेज के लिए, वो ICH Q2R1 की जो गाइडलाइन है उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं डाउनलोड करके नेट के थ्रू, या वो USP जो है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया वहाँ पर भी ये गाइडलाइन मौजूद हैं। आप FDA की गाइडलाइन को भी चेक कर सकते हैं। इन सारों के अंदर जो है इसमें कंप्लीट ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर मौजूद हैं। इससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी ताकि जब आप एक काम करेंगे तो आपको नॉलेज में होगा कि जो आप वर्किंग कर रहे हो तो इसकी जो बैकग्राउंड है उसके क्या कंसेप्ट्स हैं। ये अंडरस्टैंडिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे मेथड्स ऐसे होते हैं कि जो ऑलरेडी आपके जो रेफरेंस बुक्स होती हैं उसके में ऑफिशियल मोनोग्राफ की शक्ल में मौजूद होते हैं, तो वो वाले जो मेथड प्रोसीजर्स होते हैं उसके लिए आपको एनालिटिकल मेथड की वैलिडेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। वहाँ पे आपने जस्ट उस मेथड को वेरीफाई करना होता है। वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर होता है वो डिफरेंट होता है, जबकि ऐसे मेथड्स जो ऑलरेडी किसी भी ऑफिशियल रेफरेंस के अगेंस्ट या किसी बुक्स में मौजूद नहीं होते तो वहाँ पर हम जो है वैलिडेशन के साथ उस मेथड को जो है वैलिडेट करते हैं और ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी जो है मेथड की वो अच्छे हो सके और वो एक्सेप्टेबल हो। बेसिक कंसेप्ट के बाद हम बात करेंगे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर एनी एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन के लिए। तो जब हम बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेथडोलॉजी और गाइडलाइन यूज्ड फॉर द एनालिटिकल मेथड, फॉर एग्जांपल इट्स USP, ICH और US FDA गाइडलाइन। चूँकि ये डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, डिफरेंट गाइडलाइंस के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स डिस्कस किए होते हैं, तो आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सी वाली गाइडलाइन को जो है वो फॉलोअप कर रहे हैं। तो उस चीज़ को मेक श्योर करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट आपका ये होगा कि आप रिटन प्रोटोकॉल बनाएंगे। रिटन प्रोटोकॉल से मुराद ये है कि जो जो एक्टिविटी आपने जिस जिस स्टेप पे जिस जिस डेज के अगेंस्ट आपने जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है वो आपके पास रिटन फॉर्म में उसका प्रोटोकॉल मौजूद होना चाहिए ताकि एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। नंबर तीन पे ये है कि जिस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट आप वैलिडेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट की इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन वो जो है वो आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास इन तीनों चीज़ों के अगेंस्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी जो आपने काम किया होगा उसकी क्रेडिबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क होगा। तो इस वजह से जो हाईटेक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पे आप वैलिडेशन कर रहे होते हो उसके लिए आपने इसकी IQ OQ और PQ जो है वो ऑलरेडी परफॉर्म करना है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आपने जो जो इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर फर्दर यूज़ करने हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है, आपने उसकी पीएच मेंटेन करनी है और आप एनालिटिकल बैलेंस यूज़ कर रहे हो, उस एनालिटिकल बैलेंस में आपने कोई वेइंग की है, इसी तरह ग्लासवेयर आप यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर आप मुख्तलिफ वॉल्यूम्स को मेकअप कर रहे हो, तो वो सारे आपकी जो चीज़ें हैं जो आपकी उसमें हेल्प आउट कर रही हैं एक मेथड को वैलिडेट करने के अंदर
वो शुड भी जो है वो कैलिब्रेट होने चाहिए, क्योंकि अगर वो कैलिब्रेट नहीं होंगे तो आपकी जो काम कर रहे हो उसमें एरर के जो चांसेस हैं वो होंगे, और उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो इस वजह से जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करेंगे वो सारे के सारे वैलिडेट होनी चाहिए। और सबसे लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें जब भी आप कोई भी चीज़ मेथड वैलिडेट करते हो तो आपने एक रेफरेंस यूज़ करना होता है। एक चूँकि आपका अननोन सैंपल होता है, एक रेफरेंस होता है, तो रेफरेंस के लिए आपका जो है वो रेफरेंस स्टैंडर्ड जो है वो अच्छी उसका होना चाहिए रेफरेंस के साथ, या एटलीस्ट आपके पास एक वर्किंग स्टैंडर्ड होना चाहिए विद नाउन कंसंट्रेशन के साथ, ताकि आप जब अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो आपको एक अच्छा जो है एक आप रिजल्ट्स की तरफ पहुंच सकें। और इसी तरह जो भी केमिकल्स आपने इसमें यूज़ करने हैं HPLC के लिए, तो वहाँ पे भी ये है कि वो HPLC ग्रेड के होने चाहिए, क्योंकि अगर आप HPLC ग्रेड के केमिकल यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी ट्रबल शूटिंग जो है नॉइस की फॉर्म में या और आपकी पीक जो डिस्टर्ब हो सकती है, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जब भी आपने काम करना है HPLC पे स्पेशली, तो आपने HPLC ग्रेड के ही केमिकल उसमें यूज़ करने हैं। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे बात की है वो बेसिक कंसेप्ट्स की बात की है, नंबर टू पे हमने जो है वो जो बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी बात की है, और तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं यानी कि बेसिक पैरामीटर्स जो हैं जिनको हमने एड्रेस करना है ड्यूरिंग वैलिडेशन के दौरान। तो ड्यूरिंग वैलिडेशन के दौरान जो है आपने प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को एड्रेस करना है, लिमिट ऑफ डिटेक्शन एंड लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन को हम करेंगे, उसके बाद लिनियरिटी एंड स्पेसिफिसिटी की बात करेंगे, और लास्ट में रेंज रिबल्टनेस एंड सिस्टम सूटेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ये सारे पैरामीटर वो हैं कि अगर आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो आपकी जो एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन की जो रिक्वायरमेंट हैं वो फुलफिल नहीं होंगी। तो वन बाई वन हम इस पर इसकी डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। इस स्लाइड में हम देखेंगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर द एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन के हवाले से एज़ पर डिफरेंट गाइडलाइन। आप जो भी पैरामीटर परफॉर्म करते हैं अगर आपके रिजल्ट्स एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के मुताबिक मीट करते हैं तो आपका जो मेथड है वो शुड बी कंसिडर्ड एज़ वैलिडेटेड। लेकिन अगर आप इसकी जो लिमिट्स हैं उसको फॉलो नहीं करते या आपके जो रिजल्ट्स हैं वो इस लिमिट से आउट जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि समथिंग इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग। आपको उसको रिव्यू करना पड़ेगा, अपने मेथड को अपने जो इंस्ट्रूमेंट है उसको देखना पड़ेगा। तो वो आपकी जो ट्रबल शूटिंग आ रही है आप उसको कंट्रोल करेंगे, आप जो है एग्जीक्यूशन में नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं ये वन बाई वन आपने परफॉर्म करने हैं। अगर आपके रिजल्ट्स विद इन लिमिट्स आते हैं तो आप उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जहाँ पे अगर आपके रिजल्ट्स जो हैं वो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते तो आपको अपने मेथड को जो है वो रिव्यू करना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप जो है जो स्टैंडर्ड जो रेफरेंस रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे। मेथड वैलिडेशन से पहले जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी उसकी हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं, तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं कि हमने प्रैक्टिकली अपने एनालिटिकल मेथड को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ पैरासिटामोल को कंसिडर किया है कि किस तरीके से उसकी आपने जो है फर्स्ट डिल्यूशन बनानी है जिसको आप स्टॉक सॉल्यूशन भी कह सकते हो, और किस तरह वो फर्दर स्टॉक सॉल्यूशन को यूज़ करते हुए आपने डिफरेंट कंसंट्रेशंस बनानी हैं जिसकी मदद से आप जो है अपने रिजल्ट्स को जो है लेबोरेट करते हो और आप मुख्तलिफ जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा करते हो। तो इसमें हम इस तरह से है कि आप जो टोटल आपने जो कंसंट्रेशन बनानी है वो पांच कंसंट्रेशन डिफरेंट कंसंट्रेशंस जो हैं आपने बनानी हैं जो आपके कवर करेंगी 70% से लेके 130% ऑफ द स्टैंडर्ड एनालाइट। ठीक है, ये पांच डिफरेंट कंसंट्रेशंस बनेंगी और ये डे वन की एक्टिविटीज़ होगी कि फिर आप उस जो आपके ये सॉल्यूशन जब बन जाएंगे फाइव सॉल्यूशन तो आप इसको HPLC पे अप्लाई करोगे, इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, और ये जो टेस्टिंग है ये 3 times इन अ डे होगी, यानी कि आप अपने रिजल्ट को रिपीट करेंगे। एक दफ़ा आपका जब टेस्ट
कंप्लीट हो जाएगा, तो कुछ गैप के बाद आप दोबारा से उसी सेम सॉल्यूशन को दोबारा से आप एग्जीक्यूट करोगे, और इसी तरह जब वो सेकंड टाइम ख़त्म हो जाएगा तो थर्ड टाइम आप उसको रिपीट करोगे। इससे आपको पता चलेगा कि रिपीटेबिलिटी जो है आपकी जो सॉल्यूशन हैं या इंस्ट्रूमेंट की जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है जहाँ पर आप काम कर रहे हो वो रिपीटेबिलिटी जो है वो क्या है। और अगर टर्म की बात की जाए तो गाइडलाइन में इसको आप इंट्राडे प्रिसीजन के नाम से जो है ये आपको वहाँ पर टर्म मिलेगी कि आप इंट्राडे प्रिसीजन है। जब आप ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो इससे जो डाटा हमें रिसीव होगा उस डाटे के अगेंस्ट हम अपनी सिस्टम सूटेबिलिटी लिनियरिटी एंड प्रिसीजन के बारे में जो है वो डाटे को कलेक्ट करके और फाइनल रिजल्ट्स को फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड डे आपने सेम 5 कंसंट्रेशंस के साथ टेस्ट को जो है वो रिपीट करना है। तो इसमें सेम कंसंट्रेशन से मुराद ये है कि आपने डे 1 को जो कंसंट्रेशन बनाई थी सेम आपने वही कंसंट्रेशन बनानी है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये हुआ कि इस दफ़ा टेस्ट को आपने सिर्फ सिंगल टाइम जो है वो रन करना है, उसको सिंगल टाइम आपने परफॉर्म करना है, उसको रिपीट नहीं करना। और ये जो आप सेकेंड डे की जो एक्टिविटी है इससे भी सेम हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो सिस्टम सूटेबिलिटी के हवाले से, लिनियरिटी के हवाले से, प्रिसीजन के हवाले से हमें जो है वो डाटा कलेक्ट होगा। फर्दर जब नेक्स्ट हम उसमें जाएंगे तो वहाँ पे ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो डे 1, डे 2 और डे 3 की एक्टिविटीज़ होंगी तो इससे जो डाटा हमें रिसीव हो रहा है उस डाटे को हम किस तरीके से अपने रिजल्ट्स के अंदर जो है इंटरप्रिटेट करेंगे। थर्ड डे को आप सेम 5 कंसंट्रेशन बनाएंगे जैसे कि आपने डे 1 और डे 2 को बनाई थी, और आप सिंगल टाइम टेस्ट को जो है वो परफॉर्म करेंगे। यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करता जाऊँ, जो एक्टिविटी आपने सेकेंड डे और थर्ड डे जो आप परफॉर्म कर रहे हैं एज़ पर गाइडलाइन इट्स योर इंटर डे प्रिसीजन। अब यहाँ पे आप देखें हमने 3 दिन तक जो है वो मुसलसल जो है एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया है, तो 3 दिन के बाद जो डाटा हमारे पास कलेक्ट हो चुका है अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि जो एज़ पर रिक्वायरमेंट हमारे पैरामीटर्स हैं वो इसको मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम जो है वो इसकी कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे कि जो 3 दिन हमने एक्टिविटी परफॉर्म की है तो इस डाटे को हमने किस तरीके से कैलकुलेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे कि सिस्टम सूटेबिलिटी की जो कैलकुलेशन है यहाँ पे हमने जो 6 इंजेक्शन जो हैं स्टैंडर्ड से अगेंस्ट, स्टैंडर्ड मींस जो आपकी कंसंट्रेशन जो 100% कंसंट्रेशन होती है उसके आपने 6 इंजेक्शन जो हैं वो रिपीट करने होते हैं। तो 6 इंजेक्शंस का जो एब्जॉर्बेंस है, जो पीक एरिया आपके पास आ रहा है उसको आपने उसका एवरेज लेना है। एवरेज लेने के बाद आपने उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन से फिर आपने जो है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है। तो सिस्टम सूटेबिलिटी की रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन है ये शुड बी लेस देन 2। तो ये यहाँ पे आप रिज़ल्ट देखेंगे कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो 2 से कम हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक से काम कर रहा है। सिस्टम सूटेबिलिटी से मुराद ये है कि आपने अपने इंस्ट्रूमेंट और ओवरऑल जो आप काम कर रहे हैं सबसे पहले आपने उसको मेक श्योर किया कि उसकी जो सूटेबिलिटी है वो बिल्कुल ठीक है, आप फर्दर जो है अपनी उसकी एक्टिविटीज़ को वो जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है वो हम कैलकुलेट करेंगे लिनियरिटी, लिमिट ऑफ डिटेक्शन एंड लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। तो आपको याद होगा कि जो डे 1, डे 2, डे 3 को हमने 5 डिफरेंट कंसंट्रेशंस जो थी वो अप्लाई की थी टेस्टिंग के दौरान, तो उससे जो हमें डाटा रिसीव हुआ है उस डाटे को यूटिलाइज़ करते हुए ये टेबल में आपको बताया गया है कि किस तरीके से हम जो है ये 3 जो हमने बात की है लिनियरिटी, LOD और LOQ की किस तरीके से उसको कैलकुलेट करना है। तो ये डिफरेंट रेंज हैं यानी कि कंसंट्रेशंस जो हमने बनाई थी उसके अगेंस्ट डिफरेंट एरियाज़ जब हमारे पास आ जाएंगे तो इससे हम एक्सेल पे जाएंगे और एक्सेल पे इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप से आप इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हो और फर्दर जो है कोरिलेशन कोफिशेंट जो है आपने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये बात है कि जो कोरिलेशन कोफिशेंट का जो फैक्टर है ये आपका 1 से कम होना चाहिए। अगर आपकी इसकी वैल्यू जो है 0.999 आती है तो इट मीन्स कि आपकी जो लिनियरिटी है वो बिल्कुल ठीक है एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो इसके बाद आप इसकी रेग्रेशन स्टैंडर्ड डेविएशन रूट मीन स्क्वायर लेंगे और उसको यूज़ करते हुए आप थ्रेटिकली एज़ पर गाइडलाइन ICHQ2R1 की गाइडलाइन को यूज़ करते हुए आप LOD और LOQ की वैल्यू भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप में हम इसी डेटा की हेल्प से हम इंट्राडे और इंटरडे प्रिसीजन को कैलकुलेट करेंगे जो हमने डे वन, डे टू और डे थ्री को परफॉर्म किया था। ये शीट में ये सारी कैलकुलेशन जो है वो मेंशन की हुई है। जो फर्स्ट थ्री डे हमने जो प्रैक्टिकल काम किया था उसके अगेंस्ट जो डेटा हमें रिसीव हुआ था उसकी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब हम दोबारा प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आते हैं। नाउ इन फोर्थ डे एक्टिविटी वी विल फाइंड द एक्यूरेसी एंड रेंज। तो इसका भी ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पर मैंशन की हुई है फॉर योर रेफरेंस पर्पज। इन ए फिफ्थ डे वी विल परफॉर्म द फोर्स डिग्रेडेशन स्टडी। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो फोर्स डिग्रेडेशन स्टडी है इसकी एज सच जो है कोई फिक्स पैरामीटर्स नहीं होते। ये डिपेंड करता है कि जो आप एक्टिविटी जिस मेथड के अगेंस्ट या जिस आपका टारगेट जो कंपाउंड है उसके अगेंस्ट आप जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो यानी कि वैलिडेशन कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके अगेंस्ट आप खुद से इसकी सिलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आप एसिड के अगेंस्ट, बेस के अगेंस्ट, हीट के अगेंस्ट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, लाइट और स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन को स्टडी करते हैं। तो इसमें आपने खुद से जो है उसको आर्टिफिशियल जो है वो कंडीशंस ये वाली देनी है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपने फिर उसको जो है दोबारा से एनालाइज करना है और आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर इन्हें वर्स्ट कंडीशन इसको इस तरह की कंडीशन मिलती हैं तो आपकी जो प्रिंसिपल पीक है जो आप रूटीन में एक काम कर रहे हैं उस पर क्या इनका इम्पेक्ट आएगा। तो इसका एज सच जो है आपकी जो रिजल्ट्स हैं या जो कैलकुलेशन है उस पर इसका कोई एज सच जो है कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जिसको ये मीट करना चाहिए। ये जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप अपनी वैलिडेशन का जो रिकॉर्ड होता है उसके साथ आप एक एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन देते हो कि चूंकि 100% कभी भी लैब के अंदर आइडियल कंडीशन या सेम मटेरियल्स नहीं होते, तो अगर उसमें किसी किस्म की कोई चेंज आती है तो उसका आपके मेथड पर क्या इम्पैक्ट आएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।